लाइव हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्हें हम जानते हैं मिस्टर बीन के नाम से। तो चलिए देखते हैं रोवन एटकिंसन की जिंदगी की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 6 जनवरी 1955 से, जब कॉन्सेट काउंटी ड्यूरम इंग्लैंड में रोवन एटकिंसन का जन्म हुआ। उनके पिता एरिक एटकिंसन एक किसान थे और माँ हाउसवाइफ। रोवन 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। बचपन में वो बहुत ही शर्मीले थे, बावजूद इसके उन्हें लोगों को हंसाने में बड़ा मजा आता था। वो अजीब अजीब तरह के मुंह बना के दोस्तों को हंसाया करते। उन्हें लोगों को एंटरटेन करना पसंद था। जब वो स्कूल में थे तब उन्होंने एक फिल्म देखी। इस फिल्म में विजुअल कॉमेडी दिखाई गई थी जो उन्हें बहुत ही पसंद आई, पर उन्होंने इस वक्त तक एक्टिंग या कॉमेडी करने के बारे में सोचा नहीं था। वो एक अच्छे स्टूडेंट थे और पढ़ाई कर एक इंजीनियर बनना चाहते थे। उन्होंने न्यूकैसल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। आगे 1975 में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही एमएससी करने के लिए द क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ली। इस दौरान उन्हें एक स्केच लिखने और परफॉर्म करने के लिए कहा गया। अब तक उन्होंने कुछ ड्रामास में पार्टिसिपेट किया था, पर लिखना उनके लिए नया था। इस स्केच को बनाते समय ही उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो विजुअल कॉमेडी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और इसमें करियर बना सकते हैं। कॉलेज में ही उनकी मुलाकात हुई रिचर्ड कर्टिस से, जो एक राइटर थे, और हार्वर्ड गुडॉल से, जो म्यूजिक कंपोजर थे। तीनों मिलकर स्केचेस और प्लेज बनाने लगे। उनके काम को सराहा जाने लगा। उनका एक प्ले देखने के बाद जॉन लॉयड, जो एक बीबीसी प्रोड्यूसर थे, उन्होंने रोवन को एक टीवी शो में काम करने का ऑफर दिया। अब 22 साल के रोवन के पास दो रास्ते थे। एक तरफ उनके दोस्त थे जिनके साथ काम कर वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, और दूसरी ओर टीवी शो था जो करना उनके लिए नया था, रिस्की था। पर वो ये भी जानते थे कि अगर वो कामयाब हुए तो जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। उन्होंने टीवी शो को चुना। ये शो था नॉट द 9 o'clock शो। शो कामयाब रहा, उनकी राइटिंग और एक्टिंग की तारीफ हुई, और उन्हें एक नया शो द ब्लैक एडर ऑफर हुआ। और इस शो के को राइटर थे उनके जिगरी दोस्त रिचर्ड कर्टिस, जिनके साथ उन्होंने कॉलेज के दौरान काम किया था। ब्लैक एडर सीरीज ब्रिटेन के सबसे कामयाब सीरीज में से एक बन गई। रोवन हर जगह नजर आने लगे, वो लोकप्रिय बन गए। एक बार बेन इल्टन नाम के डायरेक्टर उनके पास एक स्क्रिप्ट के साथ आए, जो एक विजुअल कॉमेडी थी विदाउट एनी डायलॉग। ये थी चीटिंग। अगर आप मिस्टर बीन के फैन हैं तो आपने ये स्केच जरूर देखा होगा। इस स्केच में मिस्टर बीन एग्जाम देते हैं और एग्जाम में चीटिंग करते हैं। याद आया कि नहीं? इस स्केच के बाद ही मिस्टर बीन का कैरेक्टर बना, जिसे आज दुनिया भर में पसंद किया जाता है। उन्होंने जेम्स बॉन्ड मूवी नेवर से नेवर अगेन से फिल्मी करियर की शुरुआत की। डेड ऑन टाइम में लीड रोल निभाया। द टॉल गाय, द विचेस जैसे फिल्मों में काम किया। 1997 में उन्होंने बीन नाम की फिल्म बनाई जो बहुत ही कामयाब रही। उन्होंने इसकी सीक्वल भी बनाई। उन्हें बचपन से ही जेम्स बॉन्ड बहुत पसंद थे। वो एक जासूस का रोल अदा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जॉनी इंग्लिश और जॉनी इंग्लिश रिबॉर्न बनाई। उन्होंने लॉयन किंग फिल्म में जजू नाम के पक्षी को आवाज दी और एक गाना भी गाया। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1986 में ब्लैक एडर के सेट पर उनकी मुलाकात हुई सुनेत्रा शास्त्री से, जिनके पिता इंडियन और माँ ब्रिटिश थी। सुनेत्रा मेकअप आर्टिस्ट थी। कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद 1990 में उन्होंने शादी कर ली। उनका बेंजामिन नाम का बेटा और लिली नाम की बेटी है। किन्हीं कारणों से 2014 में रोवन और सुनेत्रा ने तलाक ले लिया। रोवन को महंगी कार्स का बहुत शौक है। उनके पास ऑडी A8, स्कोडा सुपर्ब, होंडा सिविक हाइब्रिड और बहुत सी लग्जरी कार्स है। उनके पास रेयर मैकलेरन F1 कार थी, जिसे चलाते वक्त 2011 में उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उन्हें तो कुछ नहीं हुआ पर कार बहुत डैमेज हो गई थी। इंश्योरेंस कंपनी को उन्हें 9 lakh pounds से ज्यादा चुकाने पड़े। ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा इंश्योरेंस पे आउट था। कार्स के क्रेज के चलते ही उन्होंने रेसिंग पर आधारित टॉप गियर नाम का शो भी किया है। उनके कला और सामाजिक कार्यों को देखकर उन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का खिताब दिया गया। दोस्तों, रोवन एटकिंसन को आज पूरी दुनिया जानती है, उनकी इज्जत करती है। इतना सारा पैसा और शोहरत होने के बावजूद वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े।
ना कभी ड्रग्स या अल्कोहल के चक्कर में पड़े। अपना ध्यान सिर्फ अच्छा काम करने में लगाया, हमें दो पल हंसाने में लगाया। वो चाहे जितने किरदार निभा ले, पर हमारे लिए वो हमारे प्यारे मिस्टर बीन ही रहेंगे।